हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टुडे ब्लॉग। कल का दिन बहुत ही अच्छा गया, जैसा कि आप सभी लोगों ने ब्लॉग में देख लिया होगा। कल वाले ब्लॉग में मतलब देखा नहीं होगा, अभी सुबह के 6 बज रहे और मैं उठ चुका हूँ। 8:30 बजे का मैंने शेड्यूल कर दिया, वीडियो अपलोड हो जाएगा 8:30 बजे, वो फिर आप लोग वॉच कर लेना। अभी मैं उठ चुका हूँ, फटाफट से ना थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह रनिंग करके आ जाता हूँ मैं तुरंत। आज थोड़ा लेट हो गया उठने में, क्योंकि कल सोने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो रनिंग करके आ जाता हूँ मैं फटाफट से और फिर फ्रेश होके आपसे मिलता हूँ। हाँ दोस्तों, फुल नहा धो के रेडी हो गया मैं। देखो कि घर में नेट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने वाईफाई वाले भैया को फ़ोन कर दिया, आज वो आके लगा देंगे। ये पुराने वाला ही ख़राब हो गया, तो वो आ जा रहे हैं और लगा देंगे वाईफाई। तो वाईफाई लगाने के लिए मैंने बोल दिया और वो आज आके शाम तक वाईफाई लगा देंगे, क्योंकि कल इतना मतलब प्रॉब्लम इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं जब वीडियो अपलोड करने के लिए रात को लगाया, तो रात को लगा दिया और पता चला मॉर्निंग में उठ के कि मैंने अपने दूसरे वाले चैनल पे ब्लॉग अपलोड कर दिया है। फिर मॉर्निंग में उठ के उसको, ये मेरे साथ सही हुआ कि मतलब मॉर्निंग में मुझे पता चल गया कि ब्लॉग दूसरे चैनल पे अपलोड हो गया बाय मिस्टेक। वो भी इसी को पता चला, वो भी सुबह 4 बजे इसने मुझे बताया, तो मैं कह रहा है मजाक कर रहा है, बट मैंने देखा तो लिटरली वो दूसरे चैनल पे अपलोड हो गया था, है ना भाई? अपलोड हो गया था ना? हाँ बिल्कुल, अंदर से खुशी नहीं मिल रही आज? नहीं। अच्छा, तो ब्लॉग दूसरे चैनल पे लग गया था। ऐसे ना मुझे बहुत ज़्यादा खर्चा लग जाता था, मतलब आप समझते हो 1 GB डेली लिमिट होता है फ़ोन का, बट इसको ब्लॉग ही मेरा लगभग 3 GB के आसपास हो जाता था, तो रोज़ मुझे 2 GB एक्स्ट्रा, 3 GB एक्स्ट्रा रिचार्ज करना पड़ता था। लगभग एक ब्लॉग का खर्चा मेरा 70 रुपीज़ आ जाता था। ये देखो इसको, एक ब्लॉग का खर्चा मेरा लगभग 70 रुपीज़ आ जाता था। तो इससे बढ़िया है कि मैंने वाईफाई लगवा लिया। वाईफाई मतलब लगवा लिया क्या, मतलब बोल दिया उनको लगा देंगे शाम को, तो उन्होंने क्लेम किया है कि मतलब 70 से लेके और 100 MBPS की स्पीड मतलब हमेशा रहेगा वाईफाई में। तो लगता तो नहीं है इतना होगा, अगर मान लो लिटरली मान लो, भावना भावना समझ लो, ठीक है? भावना, वो वाली भावना नहीं, ये वाली भावना, तो ये समझ लो भावना। तो ऐसा ही है कुछ। दोस्तों भैया आ चुके हैं और उन्होंने वाईफाई लगा दिया है मेरा, और स्पीड भी उसका बहुत अच्छा आ रहा है। तो ये लगा हुआ है मेरा वाईफाई, ये नया बॉक्स चेंज करके गए। पहले वाला जो मेरा राउटर था वो खराब हो चुका था, पता नहीं कैसे हुआ, बट वो चल रहा था अच्छा, लेकिन वो खराब हो गया, वाईफाई सपोर्ट नहीं कर रहा था वो, तो लगा के चले गए हैं। वो स्पीड भी बहुत अच्छा आ रहा है, और अब मुझे ब्लॉग अपडेट मतलब अपलोड कर, भावना समझो यार, अब ब्लॉग अपलोड करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? हाँ, और चलो फटाफट से, अब मैं ट्यूशन का टाइम हो गया मेरा लगभग 6 बजे, 6 बज रहे हैं अभी, तो ट्यूशन में फटाफट से जाता हूँ। और पढ़ाई वढ़ाई करनी भी जरूरी है यार, खाली ब्लॉग करूंगा तो मजा कैसे आएगा, पढ़ाई भी करना बहुत जरूरी है। तो फटाफट से ट्यूशन जाता हूँ और आके फिर मिलता हूँ आपसे। हाँ तो दोस्तों, अभी अभी ट्यूशन से मैं आ चुका हूँ, टाइम हो रहा है 8:30। आज तो भैया ने कुछ ज्यादा ही देर पढ़ा दिया, पढ़ने का मन नहीं था आज मेरा तो आज मैं ज्यादा, फुल क्वालिटी पे एकदम वीडियो देख रहा था। है आज ये फुल क्वालिटी पे वीडियो देख रहा था, और दिन कंजूस की तरह देखता था, 128p होता है, 144p उसी अच्छा, पे देखता थ्री था। सिक्सटी से कम नहीं, तो आज आज पता है कितने पे देख रहा है, इक्कीस सौ गैस करके साठ कमेंट में बताओ। 2160, 180p वाला बंदा 2160 में देख रहा है, और मतलब क्या सिक्सटी है, एफपीएस 60 FPS, क्या बात है, दिल जीत लिया। अरे यार, हाथ में भी दर्द हो जाता है, ये एक हाथ से पकड़े पकड़े ना हाथ में बहुत दर्द हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। तो कंप्यूटर भाई साहब भी यही है, लेकिन ये चलते नहीं है, क्योंकि इनका जो दिमाग है ना वो दुकान पे है। और ये बूफर भाई साहब है, इन्होंने चूहे से दोस्ती और प्यार कर लिया, उसमें इनको धोखा मिल गया और इनका तार काट दिया गया है, मतलब इनका तार काट दिया गया, इन्होंने चूहे से प्यार कर लिया था। लेकिन ये अगर चूहे से प्यार करेंगे ना तो हमारा चौपट हो जाएगा, है ना? शर्मा मत यार। हाँ तो फटा, मैंने खाना वाना सब खा लिया है ट्यूशन से आने के बाद, एसी ऑन कर चुका हूँ मैं,
दोस्तों दिल्ली में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि एसी ऑन किए बिना बिल्कुल मज़ा ही नहीं आता। मतलब ऐसा होता है कि देखो एसी मैंने अभी हुआ है 15 मिनट, बट पसीना सूख चुका है। जैसे ही मैं रूम में आया बहुत ज़्यादा पसीना, इतना ज़्यादा गर्मी, ऐसा लग रहा है कि मतलब ज्वालामुखी फट गया नीचे से। और एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, ये है मेरा जिम बैग, ठीक है, हेलो, और ये देखो, आप ये कहाँ पहुंच इसने भी गए? चूहे से प्यार करा था, अच्छा आ इसको गए धोखा क्या? मिल गया। किसको कॉल लगा दिया? अमेजोन वाला आ गया, हाँ तो हमारा चक्कर लगा। अमेजोन वाला भी पार्सल लेके आने वाला है, तो फटाफट से जाता हूँ, पार्सल पिक कर लेता हूँ और आपको अनबॉक्सिंग वीडियो दिखाता हूँ। इतना मस्त चीज आया है ना, इतना मस्त चीज, पूछो मत, अनबॉक्सिंग देख के ना चौक जाओगे, पूरा वीडियो देख के जाओ एक बार। हाँ तो दोस्तों डिलीवरी वाले भैया आ चुके हैं और फटाफट से चल के हम अपना पार्सल ले लेते हैं। बहुत ही खुजली हो रही है अंदर से। पार्सल मैंने अपना ले लिया है और चलो फटाफट से घर पे चलते हैं और अपना अनबॉक्सिंग वीडियो दिखाता हूँ। दोस्तों ये हमारा पार्सल आया है, तो इसको फटाफट से अनबॉक्स करते हैं। एंजॉय कीजिए अनबॉक्सिंग वीडियो। गेस करके बताओ इसके अंदर क्या हो सकता है। अगर आपने कर लिया गेस तो कमेंट सेक्शन में भी जाके बता दो मुझे, और नहीं अगर नहीं किया तो फिर वीडियो देख के पता तो चल ही जाएगा। एकदम फिल्म स्टाइल में कर लिया क्या? कैसा लगा? नहीं किया, देखो फर्स्ट पपीज मंगाया मैंने, अभी भी नहीं किया गेस। देखो इधर भी देख लो क्या लग रहा है, कुत्ते का खाना मंगाया मैंने। नहीं यार मेरे पास डॉग भी नहीं है। हाँ सब जो भी हो तो देखो इसको। 3, 2, 1, 1। टन टन आई यस। देखो आते कुत्ते का दर्शन होता है, इतने पैसे खर्च करके जगह जगह पे कुत्ते अच्छा रखे हैं यहाँ पे कुछ। अब दुल्हन का घूंघट हटाने की बारी आ गई है। क्या ऐसा फालतू है? ये देखो दुल्हन का घूंघट हटाते हैं। वाह वाह। तो ये दोस्तों मैंने मंगाया फर्स्ट पपी इसका चप्पल। मेरा चप्पल बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था, तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लगा। इससे पहले मेरे फादर जो है वो इसी कंपनी का शूज वगैरह सब कुछ यूज करते हैं, तो ये चप्पल का एमआरपी मुझे पड़ा लगभग 1999। 1999 का चप्पल पड़ा। बहुत मतलब मुझे लगा एक्सपेंसिव है, लेकिन क्वालिटी जब देखा मैंने इसका तो बहुत ही ज्यादा मस्त क्वालिटी है इस चप्पल का। तो मुझे लग रहा है कि फुल पैसे वसूल गए चप्पल। मेरे डैडी से पहले खास करके इसका शूज यूज करते हैं, तो वो लगभग 4000 रुपीज का है, तो वो भी लगभग वो 1 साल से यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसमें मतलब ऐसा लगता है कि मतलब कभी खरीद के लाया हुआ, इतना मतलब बढ़िया है। तो अनबॉक्सिंग वीडियो अच्छा लगा होगा। और फटाफट से जानते हैं आप लोग हमारा रूटीन ही हो गया है, 4 बजे वो 10-11 बजे में आते हैं हम सोने, और 2 बजे तक ब्लॉग एडिट होता है हमारा, और फिर उसके बाद रेंडर होता है, 2:30 बज जाते हैं। उस बार सोते सोते लगभग वही 2:30 बज जाते हैं डेली डेली, और फिर सुबह 6 बजे उठना पड़ता है, तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका है। तो पहले दूसरे चैनल बनाता था तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता था, बट इससे जैसे ब्लॉगिंग स्टार्ट किया तो मैंने सीधा डबल और ट्रिपल से ज्यादा हो चुका है। उसको तो आज बनाता था तो कल परसों में सोचा फिर तक एडिट कर देता था, बट इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें सेम डे ब्लॉग और सेम डे एडिट और नेक्स्ट डे अपलोड करना होता है, तो बहुत ज्यादा हो चुका है। कोई बात नहीं, ब्लॉग आएगा, डेली आएगा, टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई है ना आएगा। तो दोस्तों आज ब्लॉग जल्दी ही एडिट हो गया, लगभग 12:15, नहीं 12:35 हो रहे हैं अभी, तो आज लगभग लगभग जल्दी कर दिया मैंने फटाफट एडिट, क्योंकि आज के ब्लॉग में कुछ ज़्यादा खास था नहीं, इसलिए मैंने फटाफट से इसको एडिट कर दिया। और वो देखो सामने वाईफाई वाला भी सोचेगा कि मतलब किससे पाला पड़ा है मेरा। मज़ा आ रहा है? मस्त चल रहा है, मस्त चल रहा है, खुशी हो रही है अंदर से खुशी हो रही है इसको बहुत ज़्यादा। तो सो जा, 1 बजने वाले हैं फुल, मतलब वाईफाई का फ़ायदा उठा रहा है, गरीब हो जाएगा वाईफाई वाला वाईफाई वाला भी गरीब हो जाएगा। तो आज का ब्लॉग एडिट हो गया है, मैंने रेंडर पे लगा, मतलब ये वाला क्लिप ऐड करके रेंडर पे लगा दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। Everybody knows that I'm breaking down, everybody knows I ain't faking now, everybody knows my heart's faking now, yeah she hates me now.